ये क्लास है, ये दोनों मैं आपको बता रहा था क्लास वेरिएबल होते हैं। देखो क्लास वेरिएबल क्या होता है, क्लास वेरिएबल्स वो एट्रीब्यूट होते हैं जो सारे इंस्टेंसेस के लिए कॉमन होते हैं। अभी समझते कैसे, ये आपके दो क्लास वेरिएबल हैं, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे सारे इंस्टेंसेस के लिए कॉमन है, ये एक फंक्शन है। तो हमारी ये बात प्रूव हो गई कि एक क्लास फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए आर एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, रेक्ट क्लास का। तो ये फंक्शन रेक्ट एरिया और ये दो क्लास वेरिएबल ये इसको मिल गया, किसको, आर को। आर इनको एक्सेस कर सकता है बीच में डॉट पीरियड लगा के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, आपने यहां पे रेक्ट एरिया फंक्शन कॉल किया तो कंट्रोल यहां जंप करेगा। ये सेल्फ क्या है, जब आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट की मदद से तो ऑब्जेक्ट खुद भी चला जाता है उस फंक्शन में एज अ फर्स्ट पैरामीटर। ये जो सेल्फ है ना, सेल्फ का मतलब जिस ऑब्जेक्ट ने उसको कॉल किया वो अपने आप को सेल्फ बोल रहा है यहाँ पे। यानी जब आर डॉट रेक्ट एरिया किया तो ये आर जाके सेल्फ को अलॉट हो गया। ठीक है ना, अब आप यहां पे अगर आप लिखते हैं रेक्ट डॉट एल या सेल्फ डॉट एल, बात एक ही है, रेक्ट से तो एक्सेस होना ही था। ठीक है ना, क्या मैं सेल्फ डॉट एल करूं इंटू सेल्फ इंटू बी करूं तो भी आएगा, बिल्कुल सही आएगा आउटपुट। दो चीज कहूंगा आपको इसके जरिए, अब मैं पहले इसको रन करके आपको दिखा रहा हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 40 आपने देख लिया, अब मैं इसको यहां पे गौर से देखना, सेल्फ लिख रहा हूं। क्लास का नाम आप एट्रीब्यूट के साथ यूज करो बिंदास, वो तो चलेगा ही चलेगा। आप ऑब्जेक्ट जैसे इन्वोक किया वो खुद को सेल्फ बोलता है मेथड के अंदर, राइट। तो आप कह सकते हो कि भाई जिसने कॉल किया उसका लेंथ और उसके जिसने कॉल किया उसका ब्रेथ उठा के मल्टीप्लाई कर दो और रिटर्न कर दो। ठीक है, अब इसको मैं रन कर रहा हूं, देखो आउटपुट वही आएगा। अब ये क्लास वेरिएबल का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया क्लास वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए अलॉट हो जाता है, सबके लिए कॉमन होता है। तो क्या मैं इधर एस वेरिएबल राइट करके नया ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उसको भी ये एल और बी की ये जो क्लास वेरिएबल की है उसकी कॉपी अलॉट हो जाएगी? बिल्कुल, ना केवल ये फंक्शन भी अलॉट हो जाएगा इसको। अगर मैं यहां पे एस डॉट करता हूं तो इससे भी क्या यही आंसर आएगा? बिल्कुल, दो बार आंसर आने वाला है। ये देखिए दोनों आर और एस ऑब्जेक्ट का आंसर सेम क्यों आया, कि ये जो क्लास एट्रीब्यूट होते हैं ये कॉमन होते हैं हर इंस्टेंस के लिए। क्लास वेरिएबल्स आर दो एट्रीब्यूट दैट आर शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंसेस, जितने भी इंस्टेंसेस बनेंगे क्लास के सबको वो अलॉट हो जाएंगे। अब ये सेल्फ पैरामीटर के बारे में बताया गया कि सेल्फ पैरामीटर वो होते हैं ऑब्जेक्ट अपने आप को सेल्फ पैरामीटर कहता है, ये समझा गया इस लाइन में।